आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ही कॉमन बन गया है और इसका एक मूल कारण है नेगेटिव थॉट्स। ये नेगेटिव थॉट्स आपके प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट के बारे में, पैसों के बारे में, जॉब के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में या फिर खुद की कमियों के बारे में हो सकते हैं। मेन बात यह है कि इन नेगेटिव थॉट्स को कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आपके ऊपर हावी हो गए तो आपका पूरा माइंडसेट नेगेटिव बन जाएगा और फिर आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है और फिर इससे डिप्रेशन तक आ सकता है। तो ये जानते हैं नेगेटिव थॉट्स को कैसे रोकें। नंबर वन, डोंट थिंक अबाउट पास्ट और फ्यूचर। अगर पास्ट की बात करें, जैसे कि पास्ट में किसी करीबी इंसान की डेथ हो गई, कोई छोड़कर चला गया, कोई भारी नुकसान हो गया, ऐसी और भी कई सारी पास्ट की बातों को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि उनके बारे में सोचने से आपको और ज़्यादा तकलीफ होगी। उसकी जगह आज की चीज़ों पर फोकस करो। आज आपके सामने कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ है उसे देखो और उन पर काम करना स्टार्ट करो। रही बात फ्यूचर की, तो पहले ये देखो कि आप अपने लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हो और आज आपके पास क्या है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, उन्हें देखो और अपने फ्यूचर में जो गोल सेट किया है उसे एक अच्छी प्लानिंग बनाकर पूरा करने की कोशिश करो। कई बार ऐसा होता है कि हम डिसाइड ही नहीं करते कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, तो अपने काबिलियत के हिसाब से देखो कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हो। एक क्लियर डायरेक्शन रखो और अपनी योजना के हिसाब से अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। नंबर टू, डोंट कंपेयर। हम सबकी लाइफ अलग है, सबकी सिचुएशंस अलग है, तो ऐसे में आप किसी से कंपेयर मत करो कि वो अपनी लाइफ में कितने आगे चले गए हैं, मैं ही पीछे रह गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, लाइफ बर्बाद हो गई है। ऐसी नेगेटिव थिंकिंग मत कीजिए। अगर आपने ठान लिया तो आप अपने लाइफ में हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना है। अपनी लाइफ पर अपना पूरा फोकस रखो, अपने आप को बेहतर बनाओ, नई स्किल्स को सीखो और ज़िंदगी में अपने आप को आगे ले जाओ। पॉइंट नंबर थ्री, बी नाइस विद पीपल। जो लोग आपसे अच्छे से पेश आते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको सही सलाह देते हैं, आपको हंसाते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ऐसे लोग के साथ आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ। इससे आप अंदर से खुश और पॉजिटिव महसूस करोगे और आपको नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आएंगे। लोगों के प्रति अच्छे और दयालु बने। आप जिन लोगों से मिलें उनका अभिवादन करें और उनके साथ बात करें। यह आपके नेगेटिव थॉट्स को थोड़ी देर के लिए या कभी कभी अधिक समय के लिए दूर भगा देगा। काइंड बिहेवियर करने और विचारशील होने से लोग आपके साथ उसी तरह व्यवहार करेंगे और इससे अच्छी भावनाएं और खुशी पैदा होगी और इसलिए आप और अधिक सकारात्मक या पॉजिटिविटी बनेंगे। डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम अदर्स। हम दूसरों से ज़्यादा उम्मीद लगा बैठते हैं और अगर वो पूरा ना हो तो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और नेगेटिव फील करने लगते हैं। इसलिए लोगों से ज़्यादा उम्मीद मत रखो। ऐसा मत सोचो कि कोई आपकी लाइफ को बेहतर बनाएगा या कोई आपके लिए कुछ करेगा। हो सकता आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया हो, दूसरों के लिए बहुत एफर्ट्स डाले हों और बदले में उन्होंने कुछ खास नहीं किया, तो यार कोई बात नहीं, आप उनसे उम्मीद ही मत रखो कि वो आपके लिए कुछ करे और अगली बार से आप भी उतने एफर्ट्स डालो जितने उन्होंने आपके लिए डाले थे। अगर उम्मीद रखनी है तो खुद से रखो, किसी और से नहीं। खुद की लाइफ बनाने के लिए एफर्ट्स डालो, अपने गोल्स पर फोकस करो और अपनी खुद की उम्मीद पर खरा उतरो। पॉइंट नंबर फाइव, लिसन गुड म्यूजिक। ये ट्रिक आपको एक इंस्टेंट हाई देगी। मतलब जब भी आप कोई एनर्जेटिक म्यूजिक सुनते हो तब आप एकदम से पॉजिटिव और मोटिवेटेड फील करते हो। तो जब भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हों या आप लो फील कर रहे हो तब आप एक अच्छा सा म्यूजिक सुने। जब आपका मन नेगेटिव थॉट्स की ओर बढ़ने लगे तो म्यूजिक सुने। रोमांटिक म्यूजिक, डांस म्यूजिक या पीसफुल म्यूजिक आपके महसूस करने, सोचने और व्यवहार करने के तरीके को बदलने में मदद करेगा। पॉइंट नंबर सिक्स, ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशंस। एवरी मॉर्निंग आपके लाइफ की जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे आपका हेल्दी बॉडी, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपकी जॉब, आपकी कुछ खूबियाँ, इन जैसी और भी कई सारी चीज़ों के बारे में आप पूरी फीलिंग्स के साथ एक डायरी में लिखो और ईश्वर का धन्यवाद करो। आप खुद को हर दिन पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि मैं रोज़ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अपने गोल्स को अचीव कर रहा हूँ, मैं एक पॉजिटिव और अच्छा इंसान हूँ, मेरा शरीर बहुत हेल्दी है, इन जैसी और भी कई अफर्मेशन बनाकर आप खुद को दिन में 3 से 4 बार पूरे फील के साथ बोले। इससे आपके नेगेटिव थॉट्स चले जाएंगे, इससे आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और चीज़ें आपके हिसाब से होने लगेगी। पॉइंट नंबर सेवन, स्टे फ्रॉम नेगेटिव थिंग्स। जिन चीज़ों की वजह से आपके मन में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं उन चीज़ों से दूर रहें, जैसे न्यूज़ चैनल, टीवी सीरियल या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपको बार बार नीचा दिखाता हो, आपको डीमोटिवेट करता हो, आपको बुरा बोलता हो, तो इन सारी चीज़ें से दूर रहो और अपने आप को
शांत और पॉजिटिव रखो। पॉइंट नंबर 8, रीड बुक्स। किताबें इंसान की बेहतर दोस्त होती है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखने के लिए आप रोजाना कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं। किताब पढ़ने से आप तनाव से दूर रहते हैं और आपके दिमाग में अच्छे विचार आते हैं। किताबें पढ़ने के साथ ही आप अपने मन के विचारों को लिखने के लिए एक डायरी बना सकते हैं। इस डायरी में आप अपनी पूरी दिनचर्या को शब्दों में उतार सकते हैं, साथ ही पॉजिटिव कोट्स पढ़ने की आदत भी डालें। पॉइंट नंबर 9, डू मेडिटेशन, प्राणायाम एंड एक्सरसाइज। मेडिटेशन से हमारा मन शांत हो जाता है और मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। प्राणायाम से हम अपनी सांसों पर काम करके अपना शरीर और मन मजबूत करते हैं और इससे भी हम डिप्रेशन, स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा पा सकते हैं। एक्सरसाइज सिर्फ हमारी बॉडी को ही नहीं, ये हमारे दिमाग को ही मजबूत बनाता है, क्योंकि एक्सरसाइज से हम फिट और हेल्दी महसूस करते हैं। अपने आप को ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हो तो इसलिए एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 10, कीप क्लियर डायरेक्शन। कई बार अपनी लाइफ में हम भटक जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ें। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्लियर डायरेक्शन की जरूरत होती है, इसलिए आपका ड्रीम या गोल क्या है ये डिसाइड करो। उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी पड़ेंगी इसके बारे में सोचो, उसके हिसाब से योजना बना लो और हर दिन उस पर काम करो। ऐसा करने से आपको लाइफ में एक सही डायरेक्शन मिलेगी। आप अपनी लाइफ पर और अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे। आपका दिमाग शांत रहेगा और मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे।